हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है सौरभ आशा करता हूँ कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आने वाले एग्जाम हैं वो आपको क्रैक करने हैं और गवर्नमेंट जॉब अपनी आपको सिक्योर करनी है तो इसी उद्देश्य को लेते हुए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का अब आज के लेक्चर में देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है मशीन इनपुट एंड आउटपुट तो यहाँ पे आप ये कहोगे सर वो तो हम पिछले लेक्चर से पढ़ ही रहे हैं लेकिन यहाँ पे अलग क्या है वो देखिए आज हम जो तो डिस्कस करने वाले हैं न्यू पैटर्न न्यू पैटर्न क्या है लगभग पिछले दो या तीन सालों की यदि हम बात करें तो नए पैटर्न के क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं नए पैटर्न के यानी कि अब तक आपने देखा कि कुछ जो क्वेश्चन थे वहाँ पर उनमें आपके नंबर्स भी आ रहे थे वर्ड्स भी आ रहे थे ठीक है लेकिन अब क्या है कि बॉक्स बेस्ड इनपुट का चलन है बॉक्स बेस्ड इनपुट आपके आजकल एग्जाम में आने लग गए हैं तो वो कैसे करते हैं क्या अप्रोच उनकी होनी चाहिए उस लिहाज से हम देखने वाले हैं तो बने रहिए इस लेक्चर में लास्ट तक और सीखते रहिए देखते रहिए चलिए देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक से पाँच क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं पाँच क्वेश्चन यहाँ पर होंगे देखो होता क्या है देखो सपोज दैट मान लीजिए एक इस तरह से एक टेबल आपके पास बना हुआ आता है जैसे मान लीजिए आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ आ गया यहाँ पर सिक्स और नाइन क्या लिखा हुआ वर्ड आपके पास आ गया सिक्स और नाइन आपके पास लिखा हुआ आ गया ठीक है इस तरह से ये बॉक्स में बंद रहता है बिल्कुल और यहाँ पे क्या लिखा आता है आगे आगे लिखा आता है भैया ये क्या है आपका इनपुट है क्या है इनपुट आपका है क्या है ये है वो आपका क्या है इनपुट है और लिखा हुआ क्या आता है सिक्स नाइन लिख दिया मान लो कोई और भी नंबर है वो एग्ज़ाम है वो कुछ भी लिख सकता है ठीक है सही क्यों लिखने में आ रहा है थोड़ा एकदम अच्छा लगे एकदम ज़बरदस्त तो उस टाइप से नहीं आ रहा ना चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं सिक्स और नाइन एक नंबर है वो हम लिख देते हैं आगे मान लो आपके एग्जाम में लिख दिया भैया थ्री फाइव आगे है ठीक है फिर आगे लिख दिया वन फाइव यहाँ पर एक आपको दे दिया फिर दे दिया सेवन फोर जो एग्ज़ाम में आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है नाइन फाइव यहाँ पर आ गया थ्री फाइव यहां पर आ गया ठीक है थ्री फाइव है थ्री वन फाइव नहीं है वो ठीक है क्लियर है अब यहां पे क्या आएगा देखो इनपुट ये रहेगा स्टेप नंबर फर्स्ट ठीक है यहां पे लिखा हुआ आएगा फिफ्टी एट क्या लिखा हुआ आएगा मान लो फिफ्टी एट यहां पर दे दिया एक और उसने लिख के दे दिया फोर्टी सेवन और उसने लिखे दे थर्टी फोर क्या लिखे दे दिया थर्टी फोर यह एग्जाम आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है अब इस तरह से क्या होगा एक लिंक बना हुआ आएगा आपके पास लिंक किस तरह से इस तरह से ठीक है लिंक बना हुआ इस तरह से आपके पास आएगा लिंक किस तरह से बना हुआ आएगा इस तरह से ये एग्जामिनर ही आपको देगा यानी कि ये जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ ठीक है स्टेप नंबर टू क्या लिखा हुआ आता है कि मान लो वहाँ पर लिखा हुआ आ गया टू थ्री और इधर लिखा हुआ आ गया मान लो सिक्सटी साठ फिर आएगा स्टेप नंबर थ्री थ्री भी आ गया वहाँ लिख रहा है आपका सपोज दैट थर्टीन और थर्टी सिक्स और स्टेप नंबर फोर जो है वो भी आपका आ गया वहां पर लिखा है ट्वेंटी थ्री लिखा हुआ है तो भैया स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर फोर आपके पास आ गया समझ रहे हैं आप मेरी बात को ये आपके पास क्या है वहां से उन्होंने लिख के दिया है इसके बाद क्या होगा इसके बाद आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा किस तरह से मान लीजिए यहाँ पे आपका ऐसे क्वेश्चन आ गया इस तरह से एक और यहाँ पे आपका इनपुट लिखा हुआ आएगा कि इनपुट क्या आ गया आपके पास आपके पास इनपुट आ गया मान लो सिक्स थ्री ठीक है और आ गया वन सिक्स ऊपर लिख लें थोड़ा ना मान लो यहाँ पे आपके पास इनपुट आ गया क्या आ गया सिक्स थ्री क्या आ गया सिक्स थ्री और क्या आ गया वन सिक्स आ गया और लिख दिया एट थ्री और आ गया सेवेंटी एट और सिक्सटी नाइन और मान लीजिए आ गया फिफ्टी फोर समझिएगा ध्यान से इस तरह से आपके पास इनपुट आता अब मेरी बात समझिए आपके पास क्या हुआ इस तरह से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना हुआ आया वहाँ पर दिया दिया गया कि नीचे है जो पांच क्वेश्चंस का एक सेट दिया गया है ठीक है और नीचे जो एक डेटा दिया गया है नीचे जो एक डायग्राम दिया गया है नीचे जो एक इनपुट दिया गया है वो इनपुट दिया जाता है 6935157495 और 35 इनपुट दिया जाता है कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए आगे जो आपका स्टेप नंबर वन है स्टेप नंबर टू है स्टेप नंबर थ्री और फोर है वो एक किसी सर्टिन पैटर्न को फॉलो करते हुए बन रहे हैं ठीक है अब करना क्या है कैसे ये 58 आया देखो इनपुट तो सबको क्लियर है भैया इनपुट से कैसे 58 आया कैसे 47 आया कैसे 34 आया है इसको आपको देखना है पहले तो ठीक है इसको आपको देखना है कैसे आया और फिर इसमें जो पैटर्न निकल के आएगा इसमें जो पैटर्न बनेगा वो सेम आपको यहाँ पे बनाना है इसका ठीक है और फिर यहाँ पे कुछ पूछे गए आपसे क्वेश्चन इन क्वेश्चन का फिर आपको आंसर देना है क्या आपको मेरी बात क्लियर है सबको ठीक है क्लियर है समझ में आपको आ गया अब देखो लॉजिक लगाओ भैया लॉजिक क्या है यहाँ पे कहा गया है क्लियर उसने एरो भी लगाया है और एरो लगाकर आपसे ये कहा गया है कि सिक्स नाइन है वो किसी न किसी तरह से इस वाले जो ये बॉक्स है इससे रिलेट करता है अब कैसे रिलेट करता है देखिए फाइव और एट यहाँ पर लिख रहे हैं ठीक है फाइव और एट यहाँ पर लिख रहे हैं मान लीजिए हम इस सिक्सटी नाइन को मान लीजिए हम इस सिक्सटी नाइन को और इस सेवेंटी फ़ोर को हम ऐड करके देखें तो क्या ये फिफ्टी एट बन जाएगा क्या बताइए बन जाएगा क्या तो आप कहेंगे नहीं सर ये वैल्यू तो है वो हंड्रेड से ऊपर चली जाएगी सर तो ये तो पॉसिबल नहीं है तो बिल्कुल भैया ये पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या होगा बताइए ऐसी कंडीशन में सवाल ये होता है कि सर एक और हम ट्राई कर सकते हैं सर इन दोनों का फर्स्ट डिजिट हम देख लेते हैं पहला पहला डिजिट तो भाई देखो इसका छः और इसका सात क्या हो गया तेरह हो गया अब यहाँ पर तो तेरह नहीं है क्या हो गया छः प्लस सात क्या हो गया तेरह हो गया अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है हो सकता है सर कि वन प्लस थ्री को ऐड कर दे फोर हो जाए हो सकता है बच्चों लेकिन ऐसा भी नहीं है यहाँ पर तो फोर भी आपके पास नहीं है चलो लेकिन नाइन और फोर को ऐड करके देखें तो क्या होता है यहाँ भी थर्टीन होता है और यहाँ भी फोर नहीं है यहाँ भी थर्टीन नहीं है तो क्या कुछ लॉजिक है जो यहाँ पे और बन सकता है तो ऐसे ही हम यहाँ पे लॉजिक सीखने वाले हैं सब ठीक है ये तो लगा नहीं इसके बाद क्या पॉसिबल है देखिए इसके बाद क्या होगा बच्चों ऐसा करिए अभी तो आपने फर्स्ट फर्स्ट चेक किया था अब कीजिए फर्स्ट से सेकंड से हो सकता है छे से और आप चेक करिए चार छ से आप क्या चेक करोगे चार आप चेक करोगे अब छे और चार कितने होते हैं छः और चार क्या होते हैं बताइए दस होते हैं सिक्स प्लस फोर यानी इसका फर्स्ट और उसका फोर यहाँ पे बात आप ये पूछेंगे सर कि आप उसी स्क्वायर पे क्यों लेके जा रहे हो तो बच्चों यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ये जो ये जो है वो इन्हीं दोनों से आया है ठीक है तो इसका फर्स्ट बॉक्स उसका सेकंड बॉक्स यानी कि सिक्स प्लस फोर क्या हुआ टेन लेकिन यहाँ पर टेन नहीं दिया हुआ यहाँ पर तो फाइव दिया गया यहाँ पर तो फाइव दिया गया है फिर क्या लॉजिक हो सकता है नहीं समझ में आया चलो दूसरे पे देखते हैं नाइन और सेवन यहाँ पे दिया गया है नाइन और सेवन सिक्सटीन होता है यहाँ पे एट दिया गया तो आपके जहन में घूम विचार ये आएगा सर टेन की जगह पे फाइव दिया है सिक्सटीन की जगह पे एट दिया है तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डिवाइड कर रहे हैं टू से कि हाफ़ कर रहे हैं तो इसको क्रॉस करने के लिए इसको चेक करने के लिए हम आगे जाएंगे इसको चेक करने के लिए हम कहाँ जाएंगे आगे हम जाएंगे ठीक है तो आगे चलिए आगे जब जा आप जाओगे तो आपको मिलेगा कि देखो क्या था फर्स्ट को सेकंड से तो फर्स्ट थ्री है सेकंड क्या है फाइव फाइव प्लस थ्री क्या होता है एट और यानी कि यहां पे क्या किया देखो थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू एट डिवाइड बाई टू ये किया गया है ठीक है इधर आओ तो फाइव और नाइन कितना हो गया फोर्टीन क्या हो गया फोर्टीन फाइव प्लस नाइन इज इक्वल टू फोर्टीन बाई टू क्या हो गया सेवन हो जाएगा आपको समझ में आ गया यहाँ की अपन यदि बात करें इधर की अपन यदि बात करें भैया तो क्या हो जाएगा बताओ वन प्लस फाइव क्या हो जाएगा वन प्लस फाइव क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा और सिक्स बाई टू क्या हो जाएगा थ्री आ जाएगा और यहाँ की यदि अपन बात करें तो फाइव प्लस थ्री क्या होगा फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट बाई टू क्या हो गया आठ यहाँ पे आ गया और आपका थ्री है वो यहाँ पर आ गया ठीक है सेवन आ गया वो यहाँ पे आ गया फोर जो आया वो यहाँ पर आ गया टेन यहाँ पे भी क्या हुआ सिक्स प्लस फोर क्या हो गया सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टेन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू फाइव यहाँ पे आ गया नाइन प्लस फोर क्या हो गया आ, नहीं एक्चुअली कितना होगा नाइन प्लस सेवन नाइन प्लस सेवन क्या हो गया बच्चों नाइन प्लस सेवन हो गया सिक्सटीन सिक्सटीन बाई टू आ गया तो यहाँ पे आ गया एट एट आ गया आपका इधर क्या सबको मेरा पहला लॉजिक क्लियर है सबको समझ में आ गया दोस्तों पक्का यानी कि बॉक्स के पहले को बॉक्स के दूसरे से ऐड करना है और डिवाइड करना है टू से क्लियर है सबको समझ में आ गया आई होप ठीक है अब क्या करना है फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है अब लेकिन क्या है कि सेकंड स्टेप में इसने ऐसा कोई क्लू नहीं दिया जिससे आप ये पता कर पाए कि कैसे आया तो देखो फिफ्टी एट फोर्टी सेवन थर्टी फोर से आप ट्वेंटी थ्री और सिक्सटी आपको बनाने हैं कैसे बना सकते हैं क्या हम ऐसा नहीं कर सकते क्या हम ऐसा नहीं कर सकते क्या देखिए यहाँ पे अलग स्टेप में अलग कलर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते इस फाइव को इस फोर को और इस थ्री को ऐड कर दें तो फाइव प्लस फोर हो जाता है नाइन नाइन प्लस थ्री हो जाता है ट्वेल्व लेकिन यहाँ ट्वेंटी थ्री है अगर ऐड करने पे नहीं आए तो बच्चों क्या मल्टीप्लाई करने पर आ सकता है क्या देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करने जाओगे फाइव मल्टीप्लाई फोर क्या हो जाएगा ट्वेंटी और ट्वेंटी को आप थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा सिक्सटी तो यहाँ पर लगता है भैया थोड़ी थोड़ी बात बन रही है आपकी कि फाइव मल्टीप्लाई विद फोर मल्टीप्लाई विद थ्री तो क्या आ गया सिक्सटी और हमें ऐसा लगता है सर सिक्सटी को उसने यहाँ रख दिया है सेकेंड वाले में ठीक है तो फर्स्ट 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 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया सेकेंड है एट सेवन फोर तो दोस्तों एट को सेवन को मल्टीप्लाई करिए और फोर को मल्टीप्लाई करिए क्या जो भी इनका मल्टीपल आएगा जो भी इनका मल्टीपल आएगा क्या वो ट्वेंटी थ्री हो सकता है बताइए हो सकता है क्या अगर इसका मल्टीप्लाई आप देखें तो क्या आएगा थ्री टू जीरो है ना जस्ट ए मिनट मल्टीप्लाई विके टू 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 हो जाएगा क्या देखना एक बार टू टू फोर हो जाएगा शायद ठीक है तो क्या यहाँ पर ये है नहीं यहाँ पर तो क्या है ट्वेंटी थ्री है तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ देखो ऐसा नहीं है कि एक में देख लिया दूसरे में सोच लिया नहीं आपको दोनों तरफ लगा के देखना है क्योंकि गड़बड़ी कहीं भी हो सकती है तो ये तो आपका जो लॉजिक था वो आपका नहीं बना तो इसे छोड़ करके अब बढ़ जाइए आप आगे दुनिया में कुछ और लगा के सोचिए क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है बताओ कि ऐसा करें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे ऐड कर दें ऐसा हो सकता है क्या यहाँ पे आपने देखा कि सर फाइव मल्टीप्लाई विद फोर प्लस थ्री तो क्या हो गया ट्वेंटी प्लस थ्री क्या हो गया ट्वेंटी थ्री हो गया लग रहा है ये सही है आगे चेक किया आगे चेक क्या किया बताओ आगे जब चेक करोगे तो आप पाओगे यहाँ पर कि एट सेवन और फोर इसको मल्टीप्लाई और इसको प्लस तो एट को सेवन से मल्टीप्लाई किया और सेवन में प्लस किया फोर तो बच्चों एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस फोर क्या सिक्सटी आ, आ गया क्या गया? 60 आ गया सिक्सटी आपके पास आ गया समझ में आ गया क्लियर है एट मल्टीप्लाई विथ सेवन सिक्स फिफ्टी सिक्स और प्लस फोर कर दिया यहाँ पे आ गया सिक्सटी ठीक है तो ये सिक्सटी यहाँ पे ले लिया है और ये जो ट्वेंटी थ्री था वो इधर ले लिया मैं यहाँ पर ऐसे यह लिखने जाऊँ यदि तो हो जाएगा बच्चों ये फाइव मल्टीप्लाई विद फोर प्लस थ्री क्या आ जाएगा ट्वेंटी थ्री सबको समझ में आ गया और इसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसे एट मल्टीप्लाई सेवन प्लस फोर इज इक्वल टू आ गया ठीक है लिया सबको यहाँ तक देखो ऐसे ही जब आपने एक क्वेश्चन करोगे दो क्वेश्चन करोगे दस क्वेश्चन करोगे तो ये सारे लॉजिक्स आपके माइंड में ही डेवलप हो जाते हैं क्लियर है चलते हैं स्टेप नंबर थर्ड पर कि ट्वेंटी थ्री और सिक्सटी से किस तरह से बने हैं ये दोनों तो यहां पे आप देखेंगे किस तरह से बने हैं तो मल्टीप्लाई करके सबसे पहले देख लीजिए इस टू को और थ्री को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या बनेगा क्या इस टू को और थ्री को मल्टीप्लाई करके देखिए बनेगा क्या येलो कलर मैंने लिया है एक्चुअली लेकिन वो देख नहीं रहा है विजिबल नहीं है सही से मैं इसे यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ किसी और कलर से मैं चाहता हूँ हर एक स्टेप में हम अलग कलर लें टू और थ्री को आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों सिक्स आएगा लेकिन यहाँ पर क्या है थर्टीन है कैसे आएगा बताओ अच्छा क्या ऐसे हो सकता है कि बताओ इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई तब भी टू सिक्स जहाँ कितना 12 होता है ट्वेल्व होता है यहाँ पे थर्टीन है कि सर एक प्लस कर दिया होगा चलो बहुत सही लेकिन फिर ये वाला देखो टू मल्टीप्लाई विद ज़ीरो थ्री मल्टीप्लाई विद जीरो क्या आएगा ज़ीरो आएगा लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है यहाँ पे थर्टी सिक्स गिवन है तो ये तो यार पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो यहाँ इन दोनों लॉजिक को हटाइए कुछ और बनाने का सोचिए कुछ और सोचने जब हम गए तो हमें मिला कि सर ऐसा भी पॉसिबल है क्या बताओ कि सर टू का स्क्वायर होता है टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर ऐसा हो सकता है क्या क्योंकि टी टू का स्क्वायर क्या होता है नाइन और थ्री का स्क्वायर क्या होता है सॉरी टू का स्क्वायर होता है फोर क्या होता है टू का स्क्वायर फोर होता है और थ्री का स्क्वायर नाइन सर दोनों को ऐड कर दे तो थर्टीन बन रहा है बहुत सही यार बिल्कुल बन रहा है लेकिन सेम प्रोसेस आपका इधर भी होना चाहिए और सेम प्रोसेस की जब आप इधर जाओगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि सिक्स का स्क्वायर होता है थर्टी सिक्स और जीरो का स्क्वायर होता है जीरो तो यहाँ पर आएगा थर्टी सिक्स बिल्कुल सही है ये भी आ गया समझ में आ गया ना सबको स्क्वायर यानी दो दोनों बॉक्सेस में जो दोनों डिजिट्स जो दी गई हैं उनका स्क्वायर किया है और फिर उन दोनों को जोड़ दिया गया है ठीक है आगे यदि हम जाएँ तो आगे हमें क्या मिलेगा देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वन थ्री और हमें दिया गया है थ्री सिक्स एक्चुअली कुछ लोगों को अगर ये ऐसा दिख रहा होगा भैया तो मैं सही कर देता हूँ इसे वन वन थ्री नहीं है वो ठीक है और यहाँ पे थ्री वन सिक्स में थोड़ा सा तो आपको ले ले दिखने लग जाएगा ठीक है है चलिए तो यहां पर अब देखो अलग क्या है? क्या किया गया है बताओ कि दोनों में से अब दोनों में से जब एक बनाया गया है तो यार प्लस माइनस कुछ किया होगा तो दोनों को यदि आप ऐड करने जाएं इन दोनों को यदि आप ऐड करें तो बच्चों ऐड करने पर जो बनेगा वो बनेगा क्या बताइए फोर्टी नाइन बनेगा लेकिन यहाँ पे दिया गया है टू थ्री यहाँ पे दिया गया है ठीक है और अगर यहाँ पर टू थ्री दिया है तो वो तो नहीं हो सकता अच्छा माइनस करके देखें एक बार कि माइनस करके बन सकता है क्या और दोस्तों जब आप माइनस करोगे थर्टीन में से थर्टी थर्टी सिक्स को तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा आपका ट्वेंटी थ्री ही बनेगा क्या बनेगा ट्वेंटी थ्री इज दैट क्लियर ठीक है ऐसा कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की यदि हम बात करें बच्चों सबको समझ में आ गया होगा कि पहले वाले जो लिंक्ड जो बॉक्स हैं जो आपस में लिंक हो रहे हैं उनमें फर्स्ट बॉक्स को लास्ट बॉक्स में जोड़ा गया और उसका हाफ़ कर दिया गया इस तरह से यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को लिखा है फिर दूसरे बॉक्स को फर्स्ट बॉक्स से ठीक है यानी कि दूसरे बॉक्स को जो दूसरा वाला पार्ट है उसको फर्स्ट वाले पार्ट से ऐड किया गया और फिर हाफ़ कर दिया गया सेकंड वाले में जब जाएं तो बच्चों तीन यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए थे फिफ्टी एट फोर्टी सेवन थर्टी फोर सबका पहला पहला लिया यानी कि फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स के पार्ट फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट को ऐड कर दिया गया और थर्ड बॉक्स के पार्ट फर्स्ट में सॉरी uh, मल्टीप्लाई किया गया फर्स्ट बॉक्स के फर्स्ट को और सेकंड बॉक्स के फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया गया और उसे ऐड कर दिया गया थर्ड बॉक्स के पार्ट फर्स्ट में ठीक है अगले स्टेप में जब जा हम जाते हैं ट्वेंटी uh, से थर्टीन की तरफ तो यहाँ पर उसने क्या किया बॉक्स वन में जो पार्ट वन है उसमें टू लिखा हुआ है टू का स्क्वायर किया फोर और थ्री का स्क्वायर किया नाइन और दोनों को ऐड कर दिया थर्टीन पे यहाँ पर आ गया ठीक है सेम सिक्सटी के साथ यहाँ पर हुआ है क्लियर सबको समझ में आ गया चलिए अब करना क्या है आपको इसी के बिहाफ पर इसी के जैसा आपको एक और बनाना है कहाँ पर बनाना है जो यहाँ पर आपको दिया है वहाँ पर आपको इसका यूज करना है ठीक है चलिए लिंक कैसे थे आपके वन टू फोर लिंक था ठीक है एक से चार आपका लिंक था तो उस सबसे पहले उसे बनाइए आप लोग कैसे बनाओगे भाई लिंक यही तो थे आपस में आपके इस ये इससे लिंक था ये इससे लिंक था और ये इससे लिंक था तो फर्स्ट बॉक्स को आप लास्ट वाले से आप ऐड करिए तो क्या हो जाएगा आपके पास बताइए पहले बॉक्स का सिक्स दूसरे बॉक्स का एट दोनों तो को ऐड करो क्या हो जाएगा फोर्टीन हो जाएगा फोर्टीन का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों सेवन हो जाएगा ठीक है आप क्या होगा इसका थ्री होगा यहाँ पे और इसका सेवन क्या होगा टेन हो जाएगा और टेन का हाफ क्या हो जाता है फाइव हो जाता है बॉक्स में बंद कर दीजिए यहाँ की दी यदि बात करें आगे तो यहाँ पर बच्चों क्या है नाइन ठीक है प्लस वन यानी इसका ये वाला ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ वन और क्या है नाइन तो क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा और टेन का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइव हो जाएगा ठीक है और दूसरा वाला क्या निकल के आ जाएगा छः और छः बारह बारह का आधा छः निकल के आ जाएगा समझ में आ गया थर्ड वाले पे जब आप जाओगे सबसे लास्ट वाले में क्या होगा यहाँ पर एट फोर कितना हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व का आधा सिक्स हो जाएगा और इसके सेकंड को इसके सेकंड को इससे आप एड करोगे तो फाइव प्लस थ्री एट हो जाएगा एट का आधा यहाँ पे फोर निकल के आ जाएगा <laughs> क्लियर है सबको तो ये जो आपने बनाया आपने बनाया स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू क्या था क्या आपको याद है स्टेप नंबर टू क्या था स्टेप नंबर टू दोस्तों ये था कि यहाँ पे इसके फर्स्ट को और सेकंड को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और इसमें आपको ऐड क्या कर देना है यहाँ पे आपको ऐड कर देना है प्लस सिक्स ऐड कर देना है क्या, क्या कर क्या एड कर देना है सिक्स आपको यहाँ पे ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा बताओ सिक्स मल्टीप्लाई विथ फाइव क्या हो जाएगा थर्टी फाइव क्या हो जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई विथ फाइव क्या हो जाएगा थर्टी फाइव और थर्टी फाइव में सिक्स को जब आप ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा फोर्टी वन क्या निकल के आ जाएगा फोर्टी वन निकल के आ जाएगा ठीक है समझ में आपको आ गया इसके बच्चों इस वाले को आप इससे आपने मल्टीप्लाई किया है और फिर इसमें आपने इसे जोड़ दिया है ठीक है यहाँ पे ठीक है सेवन फाइव जा थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस सिक्स क्या हो जाएगा फोर्टी वन आगे यदि हम बात करते हैं यहाँ पे फाइव से लेकर के सिक्स तक इनको आपने मल्टीप्लाई करना है क्या हो जाएगा थर्टी और थर्टी और प्लस फोर क्या हो जाएगा थर्टी फोर क्या हो जाएगा थर्टी फोर क्या हो जाएगा थर्टी फोर समझ में आ गया क्लियर भैया कोई दिक्कत नहीं है ना चलो ये जो बन के आया है आपका ये बन हम बात करें तो आपको याद होगा कि यहां पर नंबर के किए गए थे स्क्वायर क्या किए गए थे स्क्वायर स्क्वायर किस तरह से देख लो एक बार यहां पर स्क्वायर किया पर्टिकुलर बॉक्स में यानी ट्वेंटी थ्री पे आप देखिए स्टेप नंबर टू में जो लिखा हुआ ट्वेंटी थ्री यहां पर टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर और उन दोनों को ऐड कर दिया गया था ठीक है चलिए तो so बढ़ते हैं फिर आगे आप जाओगे थ्री का होता है नाइन और फोर का होता है सिक्सटीन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए थ्री का नाइन और फोर का सिक्सटीन क्या हो जाएगा बताइए ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे आ गया टू और यहाँ पे आ गया फाइव क्लियर सबको सो so दोस्तों अब आप बताइए स्टेप नंबर फाइव फोर जो आपका आया है यहाँ पे आप देखे बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखेंगे कि सर क्लियर है कि माइनस कर दिया है तो यहाँ पर भी आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बताइए क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर आपके पास जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा नाइन क्या निकल के आ जाएगा नाइन हरे देखो तीन से पाँच दर्से, आप पास निकल जाएगा, निकल जाएगा, एट आपके पास निकल कर आपके पास निकल जाएगा तो चार हाँ पढ़ते, के तो लाइनें आपके पास थी और सेम आपके पास यहाँ भी है क्लियर सबको अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आपको जवाब आप देना उनका आपको आंसर देना है ठीक है क्या है देखिए वट विल बी द फाइनल स्टेप फाइनल स्टेप का स्क्वायर क्या होगा फाइनल स्टेप क्या है दोस्तों हमारे पास एट है आठ है, है और आठ का स्क्वायर फाइनल स्टेप मतलब होता है स्टेप नंबर फोर यही हमारा फाइनल है और आठ का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा बताइए आठ का द डिफरेंस ऑफ स्टेप सेकेंड इज मल्टीप्लाई स्टेप फाइंड द रिजल्टेंट देखो इफ द डिफरेंस ऑफ स्टेप नंबर सेकेंड स्टेप नंबर सेवन का जो डिफरेंस है उसको लास्ट स्टेप यानी कि एट के साथ मल्टीपल किया जाए तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा स्टेप नंबर सेकंड का डिफरेंस क्या है ये स्टेप नंबर सेकंड इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा बता दीजिए हमें सेवन हो जाएगा फोर्टी वन में ऐसे बच्चों थर्टी फोर आप माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर सेवन निकल के आ जाएगा क्या निकल के आ जाएगा सेवन निकल के आ जाएगा ठीक है अब सेवन को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है लास्ट स्टेप से किससे मल्टीप्लाई करना है लास्ट स्टेप से सो so सेवन को जब आप एट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा बताइए फिफ्टी सिक्स क्या निकल के आएगा फिफ्टी सिक्स निकल के आएगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास हैं वो है फिफ्टी सिक्स क्लियर है सबको फिफ्टी सिक्स आपका आंसर हो गया ऐसा लग रहा है जैसे मैंने क्रॉस लगाया भैया क्रॉस नहीं है वो ठीक है वट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर नंबर ऑफ step नंबर थ्री टू लार्जर नंबर ऑफ स्टेप नंबर सेकेंड Step नंबर थ्री का जो छोटा नंबर है और बड़ा नंबर स्टेप नंबर टू का छोटा किसका चाहिए तीन का अच्छा तीन का छोटा क्या है बताओ तीन का छोटा वाला नंबर क्या है सत्रह स्टेप नंबर थ्री का छोटा वाला नंबर क्या है सत्रह तो यहाँ पर सत्रह ले आए आप ठीक है एंड लार्जर नंबर ऑफ स्टेप नंबर सेकेंड लार्जर नंबर ऑफ स्टेप नंबर सेकंड क्या है फोर्टी वन क्या है फोर्टी वन स्टेप नंबर सेकंड का छोटा नंबर है थर्टी फोर बड़ा नंबर है फोर्टी वन ठीक है इसका प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया प्रोडक्ट पूछा गया है तो बता दीजिए कितना हो जाएगा सेवनटीन वन जा सेवनटीन कैरी हो गया आपका कितना वन ठीक है और 17 यानी यानी क्या जाएगा प्रोड़ेक्ट इनका? प्रोड़ेक्ट क्या क्या आ आ जाएगा जाएगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट इनका मतलब गुणनफल कहते हैं हिंदी में कि जो जो करने पर जो आता है बिल्कुल डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेप थ्री स्टेप नंबर थ्री के जो नंबर है उनके बीच डिफरेंस क्या होगा बता दीजिए क्लियरली नंबर थ्री के जो डिफरेंस कितने का होगा आठ का होगा ठीक है और वही है आपका अगला स्टेप बना था एवरेज नंबर उसका एवरेज क्या होगा एवरेज क्या होता है वो समझिए एवरेज का मतलब होता है औसत औसत मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या जितने आपको नंबर्स दिए गए उन सबको आप ऐड करिए उन सबको ऐड करने के बाद आप उसका क्या कर दीजिए वहां पे डिवाइड कर दीजिए जितनी संख्या है तो यहाँ पर क्या है आपके पास देखिए फाइंड नंबर ऑफ स्टेप नंबर फाइव तो यहाँ पे है 75, 56, 64. तो दोस्तों 75, 56 और 64 को इनकी ही जब मैं बात कर लू दोनों की तो कितना हो जाता है 120 तो ये ये तो आपका ये हो गया हो गया ना अरे भैया इस नीचे वाले चार को ऊपर दोनों साठ साठ हो जाएंगे एक सौ बीस हो गया अब एक सौ बीस और एक सौ पचहत्तर क्या हो गया दोस्तों

और एक बार यार काउंट कर लीजिए ठीक है हाँ सिक्स प्लस फोर टेन प्लस फाइव कितना हो जाएगा टेन प्लस फाइव फिफ्टीन कैरी हो गया वन ठीक है और सेवन प्लस वन एट प्लस फाइव थर्टीन और थ्री आपका यही आएगा ठीक है डिवाइड जब आप करने जाओगे तो आपका आ जाएगा थ्री सिक्स जा एटीन और और जब आप डिवाइड करोगे फिफ्टीन को थ्री से तो आ जाएगा ओके 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 फाइव टाइम आएगा सॉरी 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 फाइव टाइम आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो इसका एवरेज आएगा वो आ जाएगा कितना 65, कितना आ जाएगा 65, तो क्लिक कर देंगे आप यहाँ पर सिक्सटी फाइव तो इस तरह से इस तरह के न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आपके पास आजकल एग्जाम में आते हैं समझ में आपको आ गया क्लियर है सब कुछ चलिए तो इस तरह का क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन आपका बन गया ठीक है समझ में आ गया तो यहाँ पे क्या होता है आपका एग्जाम में इस तरह से एक तो आपका पूरा बना हुआ आता है बना हुआ मतलब यहाँ पे जितना मैंने आपको इस पता स्टार्टिंग में जो बताया था उतना बना हुआ आता है ठीक है इस तरह से ये हमें फाइंड आउट करना होता है कि किस तरह से उसने क्या क्या लॉजिक लगा कैसे बनाया है ये ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं आता ठीक है ये आपको पता करना होता और इसमें जो फिर जो लॉजिक लगा है वो लॉजिक आपको उधर लगाने होते हैं ठीक है हाँ देखो अब क्या होता है बच्चों किसी क्वेश्चन में तो आपको ये जो लाइनें हैं ना जो इसने हिंट्स के लिए दी है कि पहला कैसे रिलेट कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है ये किसी किसी क्वेश्चन में आती हैं और कभी कभी अगर आपकी पता हो कि कई बार आपके एग्जाम में नहीं भी आती हैं ठीक है ठीके? तो इस बात का ख्याल रखिएगा इन्हीं के भरोसे ना रहिएगा ठीक है चले आगे आगे चलते हैं यहाँ पर तो भैया अगला क्वेश्चन आपका आया है ये यहाँ तो आप कहेंगे सर कुछ अलग नहीं है ये तो वही है बस अब तक क्या आते थे हमारे पास वर्ड्स आते थे यहाँ पर हमारे पास आ गए नंबर ठीक है उन्हें अरेंज करना है लेकिन क्या होगा अरेंज कैसे करोगे देखो यहाँ पे आप देखोगे अब तक जो आपका अरेंजमेंट चलता था वो ऐसे चलता था कि बच्चों अगर ऊपर एटी वन है तो नीचे भी कहीं ना कहीं एटी वन होता था ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पर वो है ही नहीं सब कुछ चेंज हो गया देखो ऊपर जो था वो एक भी नहीं बचा यहाँ पर यहाँ पर भी एक भी नहीं बचा इधर भी एक भी नहीं बचा यानी सारे हैं वो सारे अलग अलग हैं, ठीक है तो हमें अब हर एक में लॉजिक लगाना है कि क्या यहाँ पे होने वाला है तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि नाइन यहाँ पे आ गया तो यार इतना मशीन इनपुट आपने पढ़ लिया है ना कि मुझे ये लॉजिक तो बताने की एटलीस्ट जरूरत नहीं है ये सब देंगे सर एट प्लस वन सर नाइन आ गया कह दोगे ना ठीक है शाबाश दोस्तों यहाँ पर क्या गया? 8 one, आ गया एट प्लस वन नाइन आ गया थ्री प्लस फाइव फाइव थ्री प्लस टू प्लस थ्री फाइव आ गया थ्री प्लस एट क्या हो गया तीन और आठ ग्यारह हो गया ग्यारह में एक प्लस एक क्या हो गया दो हो गया एक प्लस एक क्या हो गया दो हो गया ठीक है क्योंकि देखो आठ और तीन ग्यारह ग्यारह में क्या हो जाएगा एक प्लस एक दो हो गया छः और तीन नौ हो जाएगा तो नौ का तो नौ ही आ गया टू प्लस ज़ीरो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा टू का टू आ गया सेवन प्लस नाइन क्या होता है बताइए सिक्सटीन होता है सिक्सटीन वन प्लस सिक्स के आ गया सेवन आ गया यहाँ पर जीरो प्लस वन क्या होता है वन होता है वन का वन आ गया क्या आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया कैसे आया फर्स्ट स्टेप दोस्तों समझ में आ गया कैसे आ गया यानी कि जो डिजिट्स हैं उनका सम कर दिया क्या कर दिया है डिजिट्स का सम कर दिया है अगले वाले पे जब हम जाएंगे तो अगले वाले में क्या किया गया है सेवन सेवन ट्वेंटी वन जीरो सेवेंटी सेवन जीरो फोर्टी फाइव जीरो माइनस थ्री लिया गया है तो देखो यहाँ पर अगर थोड़ा हम सोचने बैठेंगे तो वैसे हमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा ठीक है लेकिन देखो सारे जो नंबर्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं स्क्वायर के करीब है स्क्वायर के करीब है ऐसे 77 सेवन है तो बच्चों इसका देखो नाइन है यहाँ पर अगर नाइन का स्क्वायर ये लेता तो कितना लेता एटी वन लेता यहां पर भी नाइन का कितना लेता एटी वन लेता ठीक है समझ में आ रहा है यानी कहीं ना कहीं अगर दोनों जगह आपके पास सेवनटी सेवन आया है तो कोई ना कोई लॉजिक तो बन रहा है नाइन का इनके साथ समझ में आया तो ऐसा तो नहीं कहीं कि सेवेंटी सेवन बनाने के लिए इसने फोर माइनस कर दिया हो सेवेंटी सेवन बनाने के लिए इसने फोर माइनस कर दिया हो अगर ऐसा इसने फोर माइनस किया होगा तो सब में किया होगा तो यहाँ पर आप देखने गए कि सर पा फाइव का कितना होता है ट्वेंटी फाइव होता है सर और ट्वेंटी फाइव में से फोर माइनस करने पर ट्वेंटी बनाया है तो मेरा जो शक था वो कहीं ना कहीं सही होता हुआ दिख रहा है लेकिन इसके लिए आपको सारे चेक करने पड़ेंगे टू का होता है फ़ोर फोर में से फोर करेंगे जीरो बचेगा वापस टू का फोर होता है जीरो बचेगा सेवन का होता है फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन में से आप फोर माइनस करोगे फोर्टी फाइव बच जाएगा वन का होता है फोर फोर में से आप फोर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का थ्री निकल के आ जाएगा समझ में सॉरी वन का वन ही होता है ना और वन का वन होता है तो उसमें से आप एक में से माइनस चार करोगे तो क्या निकल के आएगा माइनस थ्री ही तो निकल के आएगा आपके पास समझ में आ रहा है क्लियर है ओके चलिए आगे जब हम जाएंगे ये स्टेप सबको क्लियर है अगले पर आ जाइए अगले पर आप जब जाओगे तो इसमें तो कुछ नहीं है सेम वाला वही वाला सीन देखो सेवन प्लस सेवन तो फोर्टीन हो जाएगा फोर्टीन का वन प्लस फोर फाइव हो गया टू प्लस थ्री टू प्लस वन थ्री हो गया जीरो का जीरो हो गया यहाँ पर वही फ़ाइव आ जाएगा जीरो यहाँ पर आ जाएगा फोर प्लस फाइव नाइन यहाँ पर आ गया थ्री आपका यहाँ पर आ गया आपको सबको समझ में आ गया चलिए दोस्तों आगे जब चलते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखो फ़ाइव से सिक्स तो मुझे लगा सर यहाँ पे एक ऐड कर दिया इसने क्या कर दिया इसने एक एक ऐड कर दिया है है ना समझ में आ रहा है एक इसने ऐड कर दिया लेकिन अगर एक ऐड करता तो सर सब में ऐड करता यहाँ पे तो इसने एक ऐड किया है यहाँ तो इसने चार ऐड किए हैं अच्छा यहाँ, यहाँ कितने ऐड किए नाइन ऐड किए यहाँ पर कितने ऐड किए सोलह यहाँ पर पच्चीस तो क्या कुछ लिंक बन रहा है बताइए बिल्कुल लिंक बन रहा है और लिंक ये बन रहा है कि सर ये एड इस तरह से कर रहा है एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर यानी कि वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स सर इस तरह से ये डिवाइड करता हुआ जा रहा है क्लियर है सबको इस तरह से डिवाइड करता हुआ जा रहा है अब यहाँ पे क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या होगा इस तरह से बने गए ये तो आगे क्या हो गया नाइन यहाँ पे किसका टर्न है फिर थर्टी सिक्स का थर्टी सिक्स यहाँ पर ऐड कर दिया तो नाइन में थर्ट थर्टी सिक्स आप ऐड करोगे तो क्या आएगा फोर्टी फाइव आएगा यहाँ पे फोर्टी नाइन आप ऐड करोगे तो तीन तो माइनस में चले गए बचा यहाँ पे फोर्टी सिक्स यहाँ पर आ गया तो फोर्टी नाइन में से थ्री माइनस सॉरी ऐड किया तो यहाँ पे फोर्टी सिक्स आ गया आगे क्या किया गया बताओ आगे क्या किया गया है सोचिए और बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया यहाँ पे हुआ क्या है बताइए सोचा कुछ स्टेप नंबर पाँच में क्या हुआ है देखिए स्टेप नंबर पाँच में जब आप जाओगे तो आपको एक इंटरवल पे नंबर्स बढ़ते हुए लगेंगे जैसे यहाँ पर आप देखो सिक्स का क्या हुआ यहाँ पे फोर्टीन हुआ है सेवन का फिफ्टीन हुआ है नाइन का सेवनटीन हुआ है अब समझिए मेरी बात को यदि मान लो यहाँ पे एट होता है इन दोनों के बीच में तो उसका क्या होता कि सर उसका सिक्सटीन हो जाता यहाँ पे क्या हो जाता सिक्सटीन हो जाता क्योंकि देखो सिक्स का फोर्टीन सेवन का फिफ्टीन नाइन का सेवनटीन तो एट का सिक्सटीन होता तो यानी कि कुछ नंबर से जो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये यह ऐड कर रहा है प्लस एट क्या ऐड कर रहा है प्लस एट सिक्स प्लस एट फोर्टीन सेवन प्लस एट फिफ्टीन नाइन प्लस एट सेवेंटीन ट्वेंटी वन प्लस एट ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फाइव प्लस एट थर्टी थ्री फोर्टी फाइव प्लस एट फिफ्टी थ्री और फोर्टी सिक्स प्लस एट फिफ्टी फोर आपका ये आ गया क्लियर सबको समझ में आ गया आई होप कि कोई डाउट यार अभी आपको नहीं रहा होगा यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है ठीक है आगे जब मैं चलता हूँ तो अब तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है यार देखो फाइव आ गया क्या आ गया सिक्स आ गया फिर यहाँ पे क्या आ गया वन प्लस सेवन एट आ गया टू प्लस नाइन क्या आ गया टू प्लस नाइन इलेवन में वन प्लस वन क्या आ गया टू आ गया थ्री प्लस थ्री सिक्स आ गया फाइव प्लस थ्री एट आ गया और फाइव प्लस फोर नाइन आ गया आपको समझ में आ गया क्लियर है सब कुछ ठीक है दिक्कत है नहीं अब देखो यही जो प्रोसेस है आपको वो कहाँ बनानी है इस वाले इनपुट के लिए बनानी है ठीक है इस वाले इनपुट के लिए बनानी है तो अच्छा इसी पेज पे बना लें क्या कि आगे बनाएं अच्छा आगे हमने क्वेश्चन लिख दिए हैं चलो देखो अरे यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है यार देखो ये बहुत जगह हमारे पास यहाँ पर है यहां पर हम आराम से इसका जो दिया हुआ है वो हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं देखिए चलिए क्या दिया है नीचे देखिए आपको दिया गया इनपुट क्या है फोर्टी फोर इनपुट जो आपको दिया है दोस्तों वो दिया है फोर्टी फोर थर्टी एट ट्वेंटी फोर फिफ्टी फाइव सिक्सटीन और फोर्टीन फोर्टी फोर थर्टी एट ट्वेंटी फोर 55, 16 और 14 आपको यहाँ पर दिया है स्टेप नंबर वन में जब आप जाओगे स्टेप नंबर फर्स्ट में जब आप जाओगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आप मुझे बताइए क्या मिलेगा बताइए आपको याद है उसने क्या किया था फर्स्ट स्टेप में देखो ध्यान से इसीलिए इसको यहाँ पर बना रहे हैं कि उसने ऐड किए थे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एट यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा थ्री प्लस एट इलेवन एलेवन में वन प्लस वन टू यहाँ पर आ जाएगा सिक्स यहाँ पर आ जाएगा वन यहाँ पर आ जाएगा सेवन और यहाँ पर आ जाएगा फाइव स्टेप नंबर सेकंड में जब हम जाएंगे तो यहाँ में दोस्तों उसने क्या किया था बताइए याद हो किसी को तो माइनस फोर किया था भैया माइनस फोर स्क्वायर का माइनस फोर किया था याद आया तो एट का स्क्वायर होता है सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर माइनस फोर इज इक्वल टू सिक्सटी टू का स्क्वायर क्या होता है फोर और फोर माइनस फोर यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा सिक्स का स्क्वायर होता है थर्टी सिक्स माइनस फोर करोगे थर्टी टू आ जाएगा वन का स्क्वायर होता है वन क्या जाएगा? 3 यहां पे आ जाएगा माइनस थ्री यहाँ पर आ जाएगा सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन होता है फोर्टी नाइन माइनस फोर करेंगे क्या आ जाएगा फोर्टी फाइव आपका आ जाएगा ठीक है समझ रहे हैं आप मेरी बात को सेवन का स्क्वायर क्या होता है फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन में से फोर करोगे क्या जाएगा फोर्टी फाइव फाइव यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा फाइव फाइव जी ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव में से आप फोर माइनस करोगे क्या 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 जाएगा ट्वेंटी वन आपके पास आ जाएगा ठीक है थर्ड पर यदि हम जब जाते हैं थर्ड पर जब हम जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा देखो सिक्स प्लस अब यहाँ पर इसने क्या किया था देखो वापस से इसने ऐड कर दिया वापस से ऐड किया था ना ठीक है तो क्या हो जाएगा सिक्स यहां पर आ जाएगा जीरो यहां पर आ जाएगा फाइव यहां पर आ जाएगा माइनस थ्री यहां पर आ जाएगा नाइन यहां पर आ जाएगा और थ्री यहां पर आ जाएगा ठीक है फोर पे जब आप जाओगे यहां पर फोर पे जब आप जाओगे देखो फोर पे तो वापस इसने क्या किया था एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर ऐड किया तो यहां पर आप एक का स्क्वायर जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ सेवन आ जाएगा यहां पे जब आप ऐड करोगे किसका स्क्वायर दो का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा बताओ दो का स्क्वायर होता है चार होता है चार में जीरो ऐड करोगे चार आ जाएगा यहाँ पे आप ऐड करोगे थ्री का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बताओ थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन होता है और नाइन प्लस फोर क्या होता है फोर्टीन आ जाता है यहाँ पे किसका स्क्वायर आप लोगे बताओ फोर का स्क्वायर आप लोगे फोर का स्क्वायर क्या होता है सिक्सटीन सिक्सटीन और यहाँ पे माइनस थ्री एड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे थर्टीन आ जाएगा नाइन का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है नाइन का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे बताइए ट्वेंटी क्या होता है ट्वेंटी और दोस्तों जब ट्वेंटी फाइव आप ऐड करोगे किस में नाइन में किसमें देखो तो ऊपर नाइन है नीचे क्या है पच्चीस और पच्चीस और नौ कितना हो जाएगा थर्टी फोर आप पास हो जाएगा यहाँ पर आप ऐड करोगे छे का स्क्वायर किसका स्क्वायर ऐड करोगे छ का स्क्वायर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ थर्टी नाइन यही आप पास हो जाएगा समझ में आपको आ गया एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर आपने यहाँ पे ऐड किया चार का स्क्वायर फिर आपने वहाँ पे ऐड किया ठीक है पाँच का स्क्वायर आपने ऐड किया और छः का स्क्वायर आपने ऐड कर दिया अब अगला स्टेप क्या था देखो यहाँ से अगला स्टेप क्या था बताओ जैसे देखो हम के चलते कैसे जा रहे हैं ये स्टेप सेकंड श्टेप, थर्ड श्टेप, स्टेप थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप क्या था आठ को ऐड किया था भैया आठ ऐड किया था क्या आठ यहाँ पे ऐड करना है अब जब आप यहाँ से यहाँ पे हर एक लेटर में कितना ऐड करना है आठ ऐड करना है ठीक है आठ ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिफ्टीन यहाँ पे आ जाएगा ठीक है बारह यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा बाईस ठीक है आठ 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 आगे ऐड करोगे दोस्तों क्या जाएगा? 21 आ जाएगा ट्वेंटी वन आ जाएगा यहाँ पे ऐड करोगे फोर्टी टू आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे ऐड करोगे आप एट आप यदि ऐड करने जाओगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्टी सेवन ठीक है सिक्स स्टेप की जब हम बात करते हैं सिक्स स्टेप छठवें स्टेप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आप हमें समझाइए छठवें स्टेप में क्या आएगा देखो सबको ऐड कर दीजिए वन प्लस फाइव सिक्स थ्री फोर थ्री सिक्स और टू टू क्यों आएगा फोर प्लस सेवन होता है एलेवन और एलेवन में वन प्लस वन होता है टू क्लियर है आप सभी को तो यहां पर ये सारे स्टेप आपके बन गए हैं अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं आप समझिए मैं इनको हटा दे रहा हूं बीच में से ठीक है ताकि प्रॉपर तरीके से हम अपने स्टेप दिखे अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर वो देखिए पहला क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर फाइव विच एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर फाइव स्टेप नंबर फाइव में आप जाइए स्टेप नंबर फाइव में राइट right से थ्री पर कौन है ट्वेंटी वन कौन है राइट right, इधर से होता है राइट right से ट्वेंटी थर्ड पर ट्वेंटी फॉलोइंग स्टेप नंबर सिक्स स्टेप नंबर सिक्स कौन सा है आपके पास स्टेप नंबर सिक्स की यदि बात करें तो भैया ये है हमारे पास सिक्स थ्री फोर थ्री सिक्स टू सिक्स थ्री फोर यही है सिक्स थ्री फोर थ्री सिक्स टू ठीक है देखो कितना माइनर से डिफरेंस है इन दोनों में इन दोनों में डिफरेंस देखिए सिक्स थ्री फोर सिक्स थ्री फोर थ्री सिक्स टू और थ्री टू सिक्स तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास क्या है थ्री सिक्स टू है तो आपको थ्री सिक्स वाला ही टू करना आपको क्लिक करना है ठीक है चलिए यहाँ तक आई हो क्लियर होगा आप सभी को है ना अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर ठीक है आठ से दस फिर से क्वेश्चन बना दे रहा हूं आपको आप उसका लॉजिक बताइएगा ठीक है उसका लॉजिक बताइए आप जैसे मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं एक नंबर यहाँ पे लिख दिया मैंने फिफ्टी टू क्या लिख दिया यहां पे इनपुट लिख रहा हूं ठीक है इनपुट यहाँ पे लिख दिया फिफ्टी टू हमने लिखा फिफ्टी टू सेवेंटी फोर फिफ्टी टू सेवेंटी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर के बाद सिक्सटी टू और सिक्सटी टू के बाद आप लिख दीजिए फोर्टी सिक्स और एट्टी टू ठीक है ये हो गया अब यहाँ पे क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में किसी भी तरह का किसी भी तरह का आपको कोई भी क्या नहीं दिया गया है हिंट्स नहीं दिए गए हैं सीधा सीधा क्या दे दिया आपको स्टेप नंबर वन यहाँ पे दे दिया इसने विदाउट एनी हिंट और विदाउट एनी हिंट इसने आपको स्टेप क्या दे दिया भैया यहाँ पे दे दिया इसने आपको फोर्टी वन पे इसने दे दिया आपको ट्वेंटी थ्री पे आप इसने आपको दे दिया है क्या थर्टी सेवन अगले में इसने आपको दे दिया ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट हो गया थर्टी टू और फिर हो गया थर्टी वन क्लियर है स्टेप नंबर सेकंड जो आपका आया है स्टेप नंबर सेकंड स्टेप नंबर सेकंड में ये क्लियरली लिखा है यहाँ पर सिक्सटीन लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं एक और नंबर जैसे लिख देता हूँ ये तो ना वैसे कुछ लोग ऐसे समझेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है भैया इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ आपको ठीक है मैं यहाँ पर लिखता हूँ वन सिक्स मैंने लिख दिया ठीक है और सपोज दैट एक और हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे टू और वन यहाँ पर सपोज करके लिख दिया एक और मैं यहाँ पे स्टेप नंबर थ्री आपको मैं लिख देता हूँ ठीक है अच्छा थ्री होगा हाँ बिल्कुल थ्री होगा यहां पे मैंने लिख दिया टी और यहां पे मैंने लिख दिया एक्स और लास्ट में जो है स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फोर में मैं लिख देता हूं क्या फोर एट जीरो क्या लिख दिया है फोर एट जीरो में यहां पर लिख देता हूं फोर एट और जीरो क्लियर है अब इसका लॉजिक आप बताइए इसका जो लॉजिक जो आप बता देंगे इसके बाद में फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए इसका लॉजिक आपने बता दिया फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताओ इसका लॉजिक क्या है तो यहां पर आप कहेंगे सर इसका लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था हमें हिंट्स दिए गए थे कि फर्स्ट और जो फोर्थ है उससे फर्स्ट वाला आ रहा है लेकिन यहाँ तो सर एक और चेंज है पहली बात तो मेहनस नहीं दिए गए हैं और दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में छः के छः दे दिए गए हैं छः के छः दिए गए हैं ठीक है तो कैसे करें तो हमारे जहन में ख्याल आया कि सर ऐसे किया है देखो फाइव माइनस वन फोर कर दिया टू माइनस वन वन कर दिया मैंने कहा बहुत सही शाबाश बड़ी कमाल का एकदम आपने आंसर निकाला है लेकिन दोस्तों जो स्टेप आपने निकाला है जो लॉजिक आपने लगाया है वो सब में फॉलो करना चाहिए ठीक है सेवन माइनस वन करोगे टू आएगा और फोर माइनस वन करोगे थ्री आएगा सिक्स माइनस वन करोगे थ्री आएगा फोर माइनस वन करोगे सेवन आएगा तो जो लॉजिक आपने सोचा ना नहीं सही है एकदम गलत है कुछ और सोचो क्या किया गया होगा नंबर तो एज इट इज है अच्छा हाफ किया गया है क्या देखो फिफ्टी टू ऊपर है सेवेंटी फ़ोर ऊपर है सिक्सटी फोर ऊपर है सिक्सटी टू ऊपर है फोर्टी सिक्स और एट्टी ऊपर है अब नीचे देखो बहुत ध्यान से देखो बड़ी तल्लीनता के साथ बहुत ही फोकस करके आप देखिए स्टेप नंबर वन में कि क्या कहीं हाफ़ तो नहीं हो रहा है क्या कहीं हाफ़ तो नहीं हो रहा है देखिए नहीं हो रहा है ना देखो यहाँ पे क्या किया इसने स्टेप नंबर टू में स्टेप नंबर वन ही समझ में नहीं आया अभी तो देखो क्लियरली क्लियरली देखो मैं बहुत ही आपको ध्यान से बता रहा हूँ और ध्यान से ही देखना है आपको कुछ लॉजिक लग रहा है आपको क्या कि 82 का हाफ 41 किया गया है क्या किया गया है 82 का हाफ 41 कर दिया और बताओ 46 का हाफ कर दिया है 23 किया कि नहीं किया कर दिया है ना ठीक है अब थर्टी सेवन कहाँ से आया है बताइए थर्टी सेवन किसका होगा थर्टी सेवन है आपके इसका सेवन का हाफ किया है ट्वेंटी किया, किया है फिर सिक्सटी फोर का आ गया और फिर सिक्सटी टू का आ गया क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है यानी कि हर एक नंबर का उसने आधा कर दिया हर एक नंबर का उसने हाफ कर दिया है क्लियर है सबको जो समझ में आ गया है ना बना लोगे चलो साथ ही साथ में क्या करता हूं यहाँ पर जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी मैं लिख देता हूं ठीक है इससे हम लोग क्या करते हैं साथ के साथ बनाते हुए भी चलेंगे ठीक है इनपुट आपको क्या दिया गया है सपोज इनपुट आपको दिया गया है थ्री एट और एट फोर फिर आपको दिया है नाइन्टी फोर फिर आपको दिया है फोर्टी ठीक है फिर दिया है टू सिक्स और फिर दिया है फोर टू ठीक है ना क्या दिया गया है फोर टू दिया है क्लियर है स्टेप नंबर वन आप बनाइए क्या बनाओगे पता लगा आपको हाफ करना है लेकिन देखो इंपॉर्टेंट बात ये हाफ करना किसका है सबसे पहले उसने हाफ किसका किया था सबसे लास्ट वाला जो था सबसे लास्ट में वैल्यू क्या है बच्चों 82 उसका हाफ सबसे पहले लिखा था उसने तो आपको भी क्या करना है यहां पर सबसे लास्ट जो वैल्यू उसका हाफ आपको सबसे पहले लिखना है तो यहां पर लास्ट में है फोर्टी आप इसका हाफ लिखोगे सबसे पहले टू वन ट्वेंटी वन ठीक है आप आगे जब आप गए सेकेंड नंबर पर इसने क्या लिखा था बताइए जो सेकंड लास्ट नंबर पे था उसने से आगे से सेकंड पर रख दिया फोर्टी सिक्स का हाफ ट्वेंटी थ्री होगा वो आगे सेकंड पर आ जाएगा ठीक है क्या आ जाएगा यहां पे ट्वेंटी सिक्स है सेकेंड लास्ट तो आगे से सेकंड पर थर्टीन आ जाएगा ठीक है क्लियर है फिर क्या किया देखो फिर क्या किया फिर जो आपके नंबर बचे हैं कौन से जो 74 फोर है उसका थर्टी सेवन यानी जो सेकंड नंबर पे है ध्यान से समझिए बच्चों सेवेंटी फोर का थर्टी सिक्स उसने यहाँ पर लिया है अब सेकंड नंबर 74 फोर है कहाँ पे सेवेंटी फोर है सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे है थर्टी सेवन तो यहाँ पर आपको क्या है सेकंड नंबर पे क्या है एट्टी फोर इसका आ जाएगा फोर्टी टू ठीक है फिर इसके बाद क्या किया गया फिर जो सबसे आगे था वो चौथे नंबर पे ले गए 52 का आधा क्या होता है 26 होता है तो आपको भी क्या करना है सबसे आगे क्या है 38 तो इसका आधा क्या होता है 19 होता है ठीक है ठीक है समझ में आ गया इसके बाद क्या होगा देखिए यहाँ पर दोस्तों अब जो आपके बचे हैं दो बीच में जो सेंटर में बचे हैं 64 का आधा 32 और 62 का आधा 31 वन अब जो आपके बीच में बचे हैं उनको आपको प्लेस कर देना है 94 की अगर मैं बात करूं तो 94 का डबल क्या हो जाता है तो दोस्तों 94 का डबल हो जाता है सॉरी हाफ हो जाता है 47 क्या हो जाता है 47 और 40 का आधा क्या हो जाता है 20 हो जाता है हो गया स्टेप नंबर सेकंड पे जब हम चलते हैं यहां पर step number second पर step number second पे आप क्या पाते हैं देखो पहले सोचो क्या किया है सर ऐसा किया होगा कि सब सारे पहले 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 पहले, पहले हैं उनको ऐड कर दिया तो भैया ऐड करके देखो फोर प्लस टू सिक्स प्लस थ्री क्या हो जाएगा बताओ फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन नाइन प्लस टू क्या हो जाएगा इलेवन इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन और फोर्टीन प्लस थ्री सेवनटीन अब कुछ दोस्तों के मन में ये ख्याल आया होगा सर ये कर दिया लीजिए सिक्सटीन आ गया चलिए बहुत सही अब सेकेंड वाले को ऐड करो सब में इस सेकेंड वाले को वन प्लस थ्री फोर फोर प्लस सेवन इलेवन इलेवन प्लस सिक्स एलेवन प्लस सिक्स क्या हो जाता बताओ अलेवन प्लस सिक्स सेवनटीन सेवनटीन प्लस थ्री क्या हो गया ट्वेंटी तो सर यहाँ पे ट्वेंटी आ गया तो सर यहाँ पे प्लस वन कर दो जबरदस्ती लॉजिक ना बनाओ दोस्तों ज़बरदस्ती ना करो ठीक है कुछ और तलाश कर लो ठीक है ये ऐसा तो गलत हो गया चलो कुछ और बताइए अब कुछ और बताइए कभी कभी एक लॉजिक आपको ये भी देखने को मिलेगा हो सकता है ऑड और, और इवन का एड वगैरह किया हो ऑड इवन किया हो देखो तो यहाँ पर क्या है आपके इवन नंबर जो है फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू कितना हो गया बताइए सिक्स प्लस टू एट एट प्लस सिक्स कितना हो गया फोर्टीन और फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन यानि कि ईवन नंबर जो हैं उनको ऐड कर दिया गया सम ऑफ इवन नंबर इवन नंबर्स का सम नंबर्स का सम ठीक है सम कर दिया ठीक है अब ये ऑड नंबर्स का करके देखिए तो यहाँ पर दोस्तों वन प्लस थ्री फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस सेवन फोर्टीन फोर्टीन प्लस थ्री सेवनटीन और सेवनटीन प्लस थ्री ट्वेंटी और प्लस वन ट्वेंटी वन यानी कि नंबर्स सम ट्वेंटी वन आ गया ठीक है अब ये टी कहाँ से आ गया सर अच्छा खासा चल रहा था हमारा किसके साथ नंबरों के साथ तो अचानक से फिर ये अल्फाबेट कहाँ से आ गए अचानक से अल्फ़ाबेट कहाँ से आ गए बताइए अब भैया अगर आए हैं तो आए तो यहीं से होंगे और कोई ना कोई लॉजिक भी आपका लगा होगा ठीक है तो क्या लॉजिक लगा देखो टी आ गया अच्छा एक बात बताइए वन प्लस सिक्स कितना होता है तो आप कहेंगे सर वन प्लस सिक्स की बात करूं तो वन प्लस सिक्स होता है सर सेवन दोस्तों सेवन नंबर पे अल्फ़ाबेट में कौन आता है जी आता है और दोस्तों जी का अपोजिट ही क्या लिया गया यहाँ पर टी लिया गया है आप मेरी बात समझ गए हैं ध्यान से समझिए समझिए बात को इवन नंबर्स जो आपके सॉरी ऊपर वाले में क्या किया गया था सारे इवन नंबर्स को जब ऐड किया तो सिक्सटीन आया था सारे और नंबर्स को ऐड किया गया था ट्वेंटी वन आया था नेक्स्ट स्टेप थर्टी तो यहाँ पर अप्लाई कर दे हम इसे चलो अप्लाई करते हैं टू और फोर सिक्स सिक्स भैया सिक्स प्लस टू कितना हो गया एट एट प्लस फोर ट्वेल्व और प्लस टू फोर्टीन एड कर लो एक बार बताओ फोर्टीन आ गया ये क्या है स्टेप नंबर टू है ठीक है सारे इवन नंबर्स को ऐड कर दीजिए टू प्लस फोर क्या हो गया सिक्स प्लस टू एट हो गया एट प्लस फोर ट्वेल्व हो गया प्लस टू फोर्टीन हो गया इवन नंबर्स को सबको ऐड कर दीजिए दोस्तों इवन नंबर्स को ऐड करने पे क्या है का बता दीजिए जल्दी से एक बार इवन नंबर्स को आप ऐड करोगे वन प्लस वन टू टू प्लस थ्री फाइव और टेन फाइव और टेन का जाएगा फिफ्टीन और फिफ्टीन और सेवन कितना हो जाएगा फिफ्टीन और सेवन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू आपका यहाँ चेक कर लीजिए वन प्लस वन टू फाइव सिक्स और नाइन कितना होगा फिफ्टीन ट्वेंटी टू आपका निकल क्या के आ गया यहाँ पे ठीक है स्टेप नंबर थ्री की जब बात करेंगे आप पहले वहां पे देखो वहां पे क्या हुआ है यहां पे बच्चों दोनों नंबर्स को ऐड किया ठीक है वन प्लस सिक्स का सेवन आया सेवन नंबर अब अल्फाबेट में जी होता है जी के सामने वाला टी लेकिन उसको यहां पे भी तो करके देखो टू प्लस वन कितना होता है थ्री होता है थ्री पे आता है क्या आपका सी आता है ठीक है और सी का ऑपोजिट जो होता है वो क्या होता है बताओ सी का ऑपोजिट होता है एक्स सी एक्स आपको मैंने पढ़ाया था अल्फ़ाबेट में जिन दोस्तों को नहीं पता वो जाकर के एक बार पहले अल्फ़ाबेट को देख लें ठीक है क्लियर है सबको है ना चलिए बहुत सही तो अगर क्लियर है तो हम चलते हैं अब अपने वहाँ पर अपने वहाँ पर अपने कहाँ पर अपने यहाँ पर वन प्लस फोर क्या हो जाएगा दोस्तों वन प्लस फोर हो जाएगा फाइव फाइव पर आता है आपका ई और ई के ऑपोजिट जो होता है वो होता है वी तो यहां पर आ जाएगा वी टू प्लस टू होता है फोर फोर नंबर पे आता है डी और डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू ठीक है स्टेप नंबर लास्ट क्या हो जाएगा आपका स्टेप नंबर फोर जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा देखिए पहले यहां पर देखो क्या बना टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है ट्वेंटी होती है और एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है ट्वेंटी फोर होती है सबको क्लियरली दिख रहा होगा सब, हो सब मल्टीप्लाई कर दीजिए टी की प्लेसेल होती है तो दोस्तों टी ट्वेंटी और एक्स वाई जेड यानी एक्स आता है चौबीस नंबर पर दोनों को गुना कर दोगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा फोर एट जीरो चार सौ अस्सी सेम यहाँ पर आप आ जाइए वी का कितना होता है ट्वेंटी टू होता है और डब्ल्यू का क्या होता है ट्वेंटी थ्री होता है कितना होता है 23 एक बार चेक कर लीजिए वापस से देखो ऊपर कितना आ गया 21 ऊपर ट्वेंटी थर्टीन आ गया था 13 आ गया था फिर इधर से आपके आ गए थे 42 और 94 नहीं थर्टी एट का 19 आ गया फिर 94 का 47 और 40 या 20 आ गया इसके बाद सारे इवन नंबर्स को ऐड करने पर आया था आपका 14 और ऑड नंबर्स को ऐड करने पर आया था 22 फिर वन प्लस फोर को ऐड करने पे आपके पास आया फाइव फाइव पे आता है बच्चों ई e, ई e के है वी टू प्लस टू को ऐड करने पर आपके पास आया डी एंड डी के अपोजिट होता है डब्ल्यू डब्ल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया वी का जो आपका प्लेस वैल्यू होती है ट्वेंटी टू डब्ल्यू की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आपकी होती है ट्वेंटी थ्री आपकी हो जाती है ठीक है अब दोनों को मल्टीप्लाई करने आप जब जाओगे तो क्या हो जाएगा बताइए मल्टीप्लाई जब आप करेंगे दोस्तों तो आपका निकल के आ जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी टू सिक्सटी सिक्स हो जाएगा छ और पाँच सौ लीजिए ट्वेंटी टू को ट्वेंटी थ्री से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए यही आएगा अरे भैया ट्वेंटी थ्री को ऐसा करो ट्वेंटी थ्री को ट्वेंटी से कर लो कितना आएगा बताओ ठीक है उस, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद दो बार और कर दो बस फोर्टी सिक्स और एड इसमें कर देना ठीक है वापस देखो मल्टीप्लाई करने का बहुत सन्न तरीका है ट्वेंटी थ्री को कैसे मल्टीप्लाई करना है बाईस से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है ट्वेंटी थ्री को एक बार दस से कर दो ट्वेंटी थ्री को एक बार दस से कर दो तो कितना आ जाएगा दो सौ तीस और दो सौ तीस कितना हो गया साठ हो गया अब इस दो सौ इस ट्वेंटी थ्री को आपको दो बार और मल्टीप्लाई करना है और क्या होता है दो बार करने फोर्टी सिक्स आपका आता है तो कितना हो गया सीधा सीधा पाँच सौ छः निकल के आपके पास आ गया तो सीधा सीधा पाँच सौ छः जब आपके पास आ गया तो इसको आप थोड़ा तरीके से भी आप रख सकते हैं यहाँ पर तरीके से किस तरह की जिस तरह से उसने लिखा था फाइव जीरो और सिक्स आप लिख सकते हैं ये आपका क्या बन गया पूरा पैटर्न बन गया कम्प्लीटली फोर एट सिक्स ये आपका यहाँ से आ गया क्लियर है सबको और साथ ही साथ उसको समझते हुए हमने अपना जो डायग्राम हमें दिया था जो इनपुट हमें दिया था वो हमने सॉल्व कर लिया अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछे गए हैं हाउ मेनी स्टेप रिक्वायर टू कंप्लीट द अबोव अरेंजमेंट ऊपर दिए गए अरेंजमेंट को कम्प्लीट करने के लिए कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी तो भैया यहाँ पर जितने स्टेप आपको दिए गए हैं वन टू थ्री फोर यहाँ पर भी आपको कितने स्टेप लगेंगे वन टू थ्री फोर आपको स्टेप लगे आप चेक कर सकते हैं देख लीजिए स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर फोर क्लियर है चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री में कौन कौन से नंबर आपके पास आए हैं सो लेटर्स आपके पास आए हैं तो स्टेप नंबर थ्री में दोस्तों जो आपके पास लेटर्स आए हैं वो है वी और डब्ल्यू तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं वी और डब्ल्यू पर ठीक है उसने डब्ल्यू वी भी दे रखा तो हम वी और डब्ल्यू को ज़्यादा प्रेफर करेंगे ठीक है चलिए फिर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेप नंबर फोर सबसे लास्ट वाला स्टेप क्या है तो बच्चों वी का आपको पता है ट्वेंटी टू था और उसको मल्टीप्लाई किया था डब्ल्यू से जिसका ट्वेंटी थ्री था मल्टीप्लाई करने पे आया था फाइव जीरो सिक्स आपका आया आंसर टिक कर दीजिए फाइव जीरो सिक्स क्लियर सबको समझ में आ गया तो यहाँ पर आज हमने तीन इन सेट ऑफ़ क्वेश्चन डिस्कस किए थे पिछले मैं कहूँ कि लगभग टू थाउजेंड सिक्सटीन के आसपास ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे ये नंबर वाले ठीक है तो और आजकल की जो एग्जाम है जो आपके क्लर्क पीओ के चल रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन एक बात का ख्याल रखिए ऐसे क्वेश्चंस के लॉजिक आपको तभी पता लग सकते हैं जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करें तो मैं चाहूँगा कि यार आप कम से कम चालीस पचास क्वेश्चन के एटलीस्ट आप उसे पूरा सॉल्व ना करें देखो यहाँ तक बना लिया अब पूछेगा क्या इसमें से तो पूछेगा ना किसका मल्टीप्लाई होगा कौन सा नंबर को तो ऐसे लॉजिक्स ही आप फाइंड आउट करते रहें तो वहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मैंने क्वेश्चन यहाँ पर तीन लिए यहाँ पर तो मैंने देखिए दो ही लिए थे तो यहाँ पर दो हो तीन हो ऐसा कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाने हैं बस लॉजिक इज़ इम्पॉर्टेंट लॉजिक आपको पता होना चाहिए तो अभी आप क्या करेंगे गूगल पे जाइएगा जहाँ से भी आप पढ़ते कोई बुक आपके पास है वहाँ पर आप सर्च करिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिन्हें आप सॉल्व करिए लॉजिक का पता लगाइए ठीक है क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आप अपने आप को बनाएंगे उतना ज़्यादा निखार आपकी जो उसमें है रीजनिंग में आप, आपका आएगा ठीक है तो आज का ये सेशन था और ये था आपका मशीनपुर का टॉपिक लगभग पाँच के आसपास पार्ट इसके बने तो आप सबको देखिएगा वन बाई वन स्टेप नंबर वन से लेकर के नंबर फाइव तक जितने भी पार्ट आपके बने हैं ठीक है ठीके? और भी कोई अगर आ, कुछ पैटर्न बना तो हम बिल्कुल आपके लिए लेके आएंगे ठीक है सो फिलहाल पढ़ते रहिए समता एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर बनाइए ठीक है सेलेक्शन है ताकि वो आपका श्योर हो सके चलिए तो फिलहाल के आज के लेक्चर में इतना ही था मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा अच्छा लगा पसंद आया कुछ समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं कुछ और टॉपिक आपको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ तब ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें आपके साथ साथ बैंक में पोस्ट हो सकें और कोई भी नया वीडियो जब हमारा आता है तो आप पहले आइकन एक्ट क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिल जाए ठीक है तो फिलहाल आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड हैवी नाइस डे